हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। आज है 36 डे हमारे डाइट प्लान का। सो दिन की शुरुआत आप करेंगे गुनगुने वाटर से, उसके बाद जीरा वाटर को बॉईल करेंगे एंड उसको थोड़ा सा ठंडा होने पे आप सिप सिप करके इसको पी लेंगे। एंड दिन की शुरुआत आप ऐसे करेंगे जिससे आपका पेट अच्छे से क्लीन हो जाए। सो मॉर्निंग आज मैं ले रही हूँ दलिया। मैंने सिंपल दलिया बनाया है जो नमकीन है। आप इसमें बहुत सारी वेजेस डाल सकते हैं बट आज मैंने सिंपल दलिया बनाया है झटपट से, कोई इसमें वेजेस नहीं डाली है। खाने में बहुत लाइट होगा फ्रेंड्स। दलिया आप डिनर में भी ले सकते हैं क्योंकि ये लाइट होता है एंड हमारे पेट को अच्छे से फुल रखता है, साथ में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सो उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद हो जाता है मेरे वर्कआउट का टाइम। सो मैं वर्कआउट करती हूँ 12:30 बजे। आपके पास जब भी टाइम मिलता है आप उस टाइम पे वर्कआउट कीजिए क्योंकि इस टाइम पे बच्चे स्कूल चले गए होते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए होते हैं। हस्बैंड का टाइम थोड़ा लेट है, वो 12 बजे घर से जाते हैं, इसलिए मैं वर्कआउट थोड़ा लेट करती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हमें गैप मिल जाता है एंड वर्कआउट के बाद भी आपको आधे पौने घंटे का गैप जरूर लेना है लंच करने से पहले। वर्कआउट करने के बाद आपने कम से कम हाफ एन आवर का ब्रेक लेना है, अपनी बॉडी को कूल कर लेना है। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। इस डाइट प्लान की वीडियो बहुत लंबी बन जाती है उसकी वजह से मैं वीडियो को फास्ट कर देती हूँ, बट अगर आपको मेरी एक्सरसाइजेस की वीडियो चाहिए तो आप दूसरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाल रखी हैं जिनमें मैंने सिर्फ एक्सरसाइजेस दिखा रखी हैं। तो इंजॉय कीजिए आज का वर्कआउट। My father told me I was born to run. Long way from home, he never doubt his son. Don't call me back until your dreams come true, but I pray for you, be always by your side. Now I've been many places all these years. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fear. I guess the storm that showed me where I go, just like the new. My father told me I was born to run. Long way from home, he never doubt his son. Don't call me back until your dreams come true, but I pray for you, be always by your side. Now I've been many places all these years. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fear. I guess the storm that showed me where I go, just like the new. Oh,
My father told me I was born to run. Long way from home, he never doubt his son. Don't call me back until your dreams come true. But I pray for you, be always by your side. Now I've been many places all these years. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fear. I guess the storm will show me where I go. फ्रेंड्स, आप डे डिसाइड कर लीजिए अपने वर्कआउट का, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप पहले से डे डिसाइड करेंगे कि आज मैंने लेग का वर्कआउट करना है, आज मैंने फुल बॉडी का वर्कआउट करना है, तो आपके लिए एक्सरसाइजेस करना इजी होगा. सो लंच में मैं आज ले रही हूँ, मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है, साथ में मैंने उसमें थोड़ा सा पनीर ऐड किया है, साथ में बहुत सारा सैलेड मैंने ले रखा है, साथ में दही है एंड साथ में मैंने 1 चपाती ले रखी है. फ्रेंड्स, आपने सैलेड ज़रूर लेना है, आपने दही ज़रूर लेना है, आप सब्जी भी लेंगे, क्योंकि डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने भूखे रहना है. डाइट का मतलब एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें हमारे न्यूट्रिशंस की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार अनहेल्दी खाना शुरू कर देंगे तो आपको वीकनेस फील होगी, आपकी स्किन में डलनेस आएगी. तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आपने प्रॉपर डाइट लेनी है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ. विंटर में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप सब्जियाँ ईजीली ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे. सो आज रात के लिए मैंने ये स्प्राउट्स भिगोए होते हैं जो मूंग दाल के हैं एंड चने के हैं, इनको मैंने थोड़ी सी देर के लिए बॉईल कर लिया है एंड इसमें कर ली हैं सब्जियां कट, जिसमें गाजर है एंड साथ में कुकुम्बर है, थोड़ा सा धनिया है. सो ये बिल्कुल लाइट डिनर होगा. फ्रेंड्स, मैं प्रेफर करती हूँ कि रात को हमें कच्ची सब्जियाँ नहीं लेनी चाहिए, बट ये सैलेड टाइप है सो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. अदरवाइज़ रात को कच्ची सब्जियाँ आपको नहीं लेनी है, आपने सिर्फ बॉईल करना है. अगर आप थोड़ा सा उसमें छौंक लगाना चाहते हैं तो जीरे का छौंक लगा के खा सकते हैं, बट आपने सब्जियाँ कच्ची नहीं लेनी है रात को, दिन में आप ले सकते हैं. फ्रेंड्स, इसको और थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें नींबू स्क्वीज़ कर लीजिए, अगर आपने पनीर इसमें ऐड करना है आप कर सकते हैं, अगर आप ग्रीन चिल्ली खाते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. रात को सारे काम फिनिश करने के बाद लास्ट में अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ एंड उसको बाद में सिप सिप करके पीती हूँ. नेक्स्ट डे के लिए जो भी मैंने काम करने होते हैं मैंने कर लिए हैं, स्प्राउट्स मेरे डेली बनते हैं. फ्रेंड्स, आपने ग्रीन टी ज़रूर लेनी है, अगर आपको ग्रीन टी सूट नहीं करती है तो आपने गर्म पानी का गिलास लेना है और उसको सिप सिप करके पीना है. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लवलता एंड फिटनेस को. थैंक्स.